नमस्कार श्रोताओं, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पे आप सबका स्वागत है। आज हम आनंद राणा साहब को लेकर आए हैं, साथ में सुलभा जी। कैसा महसूस कर रहे हैं साहब? बहुत ही। आज का उद्देश्य हमारा बहुत पवित्र है और राणा साहब से हम रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती के संस्मरणों को जानना चाहेंगे और तथ्यात्मक जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राणा साहब, आप यहाँ हमको लेके आइए, कौन सी जगह है ये? नर्रई का वो महान बैटल फील्ड है, जो है युद्ध भूमि है, जहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती और मुगल मनसबदार आसफ खान के बीच में 6 घंटे का यहाँ पर महासंग्राम हुआ था। और उस महासंग्राम में जो है रानी दुर्गावती की जो रणनीति थी कि रानी दुर्गावती चाहती थी कि आसफ खान के पास चूंकि तोपखाना है, इसीलिए वो आसफ खान को इन घने जंगलों की ओर लेके जाना चाहती थी। और इन घने जंगलों को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सागौन के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, इन सागौनों में जो गोंड हमारे सैनिक थे वो इन पर बैठकर जो है घात लगा के आसफ खान की सेना पर हमला करना चाहते थे। और इस उद्देश्य से रानी दुर्गावती ने जो है सिंगौरगढ़ से यहाँ तक का आसफ खान को अपने ट्रैप में फंसाया था और वो ट्रैप में फंस भी गया था। और इस तरीके से वो यहाँ पर जब नर्रई के इस मैदान में आया तो सुबह प्रातः 10 बजे जब युद्ध शुरू हुआ 24 जून 1564 को, तो गोंडों ने रानी दुर्गावती के नेतृत्व में 3 बार यहाँ से जो है आसफ खान को खदेड़ा। और आसफ खान का जब तोपखाना आया तो जो वीरांगना रानी दुर्गावती थी वो इन डेंस फॉरेस्ट की ओर जाने की जब कोशिश करने लगी, तभी जो रानी दुर्गावती का एक सामंत था जो गद्दार बदन सिंह, उसने यहाँ पर एक शिखर सरोवर है पहाड़ी पर, उसको फोड़ दिया। आप ये देख रहे हैं नर्रई नाला, इस नर्रई नाले में पूरा का पूरा पानी भर गया था, इसलिए रानी दुर्गावती का जो हाथी सरमन है उसके साथ वो इन जंगलों की ओर अंदर जाना चाहती थी, जा नहीं पाई। ऐसी विकट स्थिति में जो है संग्राम लगभग 1 बजे का समय होगा, उस बीच में काफी भीषण संग्राम हो गया था और उसी बीच में जो है आसफ खान का तोपखाना यहाँ पर आ गया। तोपखाने के आने से तोप की सीधी मार पड़ने लगी, इसीलिए जो ये लड़ाई है और जो है संघर्षपूर्ण बन गई। इसी बीच में वीरांगना रानी दुर्गावती को गर्दन पर आकर एक तीर लगा और जब गर्दन पर तीर लगा तो उन्होंने उस तीर को तोड़ दिया और युद्ध जारी रखा। इनके जो वीर नारायण सिंह जो पुत्र हैं वो जो है दाहिने मोर्चे पर जंग लड़ रहे थे, वहाँ से उनको ये खबर मिली कि जो वीर नारायण सिंह घायल हो गए हैं। और रानी दुर्गावती को उसी बीच में एक आंख में भी तीर लगा, वो काफ़ी घायल अवस्था में हो गई थी और उन्होंने ये अच्छे से समझ लिया था कि इस युद्ध में जो है ऐसा लगता है कि जो है उनकी बलिदान हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने जो महाभाते आधार सिंह से कहा था कि आधार सिंह जो है मेरी जो गर्दन है वो सरदर्द से अलग कर दो क्योंकि अब मैं जो है काफ़ी घायल हो चुकी हूँ। लेकिन आधार सिंह ने ये बात करने से मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि मृत्यु तो सभी को आती है आधार सिंह, लेकिन इतिहास उन्हें याद रखता है जो सम्मान के साथ जिए और मरे। और रानी दुर्गावती लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ काफी लंबा गोल बन गया था, उस गोल में समा गई और लगभग 300 मुगल सैनिकों को मारने के बाद उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग यहाँ पर किया। ये वही नर्रई की पवित्र और पावन भूमि है जहाँ पर 24 जून 1564 को विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगना ने अपना बलिदान दिया था। उसके बाद जो उनके शव के लिए युद्ध हुआ, क्योंकि जो अब्दुल मजीद खान जो आसफ खान था उनके शव को ले जाना चाहता था, लेकिन जो आधार सिंह और उनके साथ के जो और भी सेनापति थे उन सब सेनापतियों ने जो है युद्ध लड़ा और शव को सुरक्षित करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। ये यहाँ नर्रई की पूरी जो रणभूमि का जो समर किस प्रकार का हुआ उसका मैंने आपको एक यहाँ पर गौरवमयी गाथा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीर नारायण जी की उम्र क्या थी उस समय? वीर नारायण सिंह जो हैं उनकी उम्र को लेके अलग अलग कयास लगाए जाते हैं, लेकिन वो लगभग जो है 18 वर्ष की उम्र उनकी उस समय थी और कुछ कतिपय इतिहासकारों ने 19 वर्ष की उम्र बनाई है, लेकिन यह हम ये मान सकते हैं कि उनकी उम्र जो है वो किशोर अवस्था ही जैसी थी जिस समय उन्होंने मुगल सेना का यहाँ पर सामना किया था। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब उनको यहाँ से चौरागढ़ ले जाया गया नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर में भी एक भयानक युद्ध हुआ और उसमें जो चौरागढ़ के युद्ध में एक बड़ा जौहर भी हुआ जब सारी वीरांगनाओं ने जौहर किया और वहाँ पर आधार सिंह और वीर नारायण सिंह का आसफ खान के साथ संघर्ष हुआ था जिसमें दोनों का वहाँ पर बलिदान हुआ था। तो
राणा साहब, आपने युद्ध के बारे में बताया कि उनका और इतना स्ट्रेटेजिक वार था और उनके वॉरियर इतने ट्रेंड थे, तो ये छठवां युद्ध था मुगलों के साथ, इसका मतलब उनके और भी युद्ध रहे होंगे, और किस तरह वो वेस्टर्न जो वीरांगनाएं हैं उनके साथ मैच करते उनकी लाइफ, ये जरा संक्षेप में बताइए। जी, यदि हम 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी में एक ऐसी वीरांगना का जन्म होता है जिसका आपने भी उल्लेख किया, वीरांगना रानी दुर्गावती। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी वीरांगनाओं के नाम आते हैं, उनमें से एक वीरांगना का नाम आता है जॉन ऑफ आर्क फ्रांस से, एक नाम आता है मारिया थेरेसा का ऑस्ट्रिया से, एक रूस की कैथरीन का नाम आता है, एक नाम एलिजाबेथ प्रथम का आता है इंग्लैंड से। लेकिन यदि रणकौशल की बात करें जिसकी आप अभी चर्चा आप कर रहे थे, तो रणकौशल में जॉन ऑफ आर्क को यदि ले लिया जाए तो तुलनात्मक रूप से जॉन ऑफ आर्क और इनका लगभग बराबर बैठता है, यदि अपन युद्ध रणनीति की बात करें फ्रांसीसी फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क। उसके बाद दक्षिण भारत में रुद्रमा देवी के साथ इनका एक समीकरण बैठता है, मगर रजिया और नूरजहां तुलनात्मक दृष्टि से रानी दुर्गावती के सामने कहीं नहीं ठहरती, ना मारिया थेरेसा ठहरती, ना कैथरीन ठहरती, ना एलिजाबेथ ठहरती हैं। इसीलिए यदि युद्ध की बात की जाए, वार स्ट्रेटजी की बात की जाए, तो रानी दुर्गावती का विश्व में कोई सानी नहीं है। आइए मैं इसके विस्तार से आपको बताता हूँ, अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। मैं हमेशा पहले जो विरोधी इतिहासकार है उन्हीं की बात को सबसे पहले आगे लेता हूँ कि अबुल फजल इस बात को कहता है कि रानी दुर्गावती की सेना में 1000 हाथी थे और 20,000 अश्वारोही थे। तो 20,000 अश्वारोही माने हॉर्स राइडर्स और 1000 हाथी, ये उनका वर्णन है जी। तो यहाँ पर 1000 हाथी का आना और उनकी सेना का होना, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाथी बहुत महत्वपूर्ण जो है एक उपादान यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो रानी दुर्गावती जब अपने पिता के यहाँ कालिंजर में थी, तब कालिंजर में जो है उसका जो पालन पोषण हुआ था वो शस्त्र शास्त्रों की दोनों शिक्षा दी, क्या बात है। और उसने वहाँ 9 युद्ध व्यू रचना सीखी थी और उनमें जो मुख्य रूप से अर्धचंद्र व्यू और क्रौंच व्यू की वो जो है लड़ती थी। इनका जिक्र महाभारत और ये महाभारत में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, तो जो है श्रीकांत का व्यू मिलता है इसमें, तो ये काफी सारे, लेकिन दो व्यू जो है उसके बहुत पसंदीदा थे। अर्धचंद्र व्यू, जब सेना छोटी होती थी तब वो सेना को धीरे से ऐसा अर्धचंद्र बनाकर फिर पूरी सेना को खोलती थी वो जी। और एक क्रॉन्च व्यू होता था, वो सारस की पक्षी के हिसाब से वो सेना को खड़ी करती थी। लेकिन ये जो उसकी युद्ध नीति थी ये मैदानों में होती थी, मगर यदि वो पहाड़ियों पर है तब तो फिर बहुत खतरनाक हो जाती थी, क्योंकि वो घात लगा के हमला करती थी, एम्बुश करती थी। तो वो रानी की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट था, क्योंकि जो गोंड सैनिक थे वो इन पहाड़ियों के बहुत अभ्यस्त थे, इन पेड़ों के चढ़ने के बहुत अभ्यस्त थे। मुगल सैनिक लोगों के लिए तो ये बड़ा कठिन, बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपने जैसा भी उल्लेख किया कि 6 मुठभेड़ हुई मुगलों से और उन 6 मुठभेड़ों में 5 मुठभेड़ में खदेड़ के मारा रानी दुर्गावती ने। तो कालिंजर में जो उन्होंने ये सब विद्याएं सीखी, वहीं उनको सरमन हाथी मिला। एक हाथी व्यापारी लेकर आए थे, जो हाथी जो है वो कंट्रोल में किसी के नहीं आ रहा था। हाथी व्यापारी लेके, व्यापारी लेके आए थे, व्यापारी का ने क्या गिफ्ट किया, हाँ कालिंजर में गिफ्ट किया था कीरत सिंह को, लेकिन वो कंट्रोल किसी से हो नहीं रहा था। अच्छा, ये 16 वर्ष की थी और इसने उसको कंट्रोल कर लिया। आगे जाकर जब शादी उसकी हुई तो ये गिफ्ट में आ गया, हाथी सरमन यहाँ गिफ्ट में आ गया उनके साथ। वहाँ भी रानी दुर्गावती ने 8 युद्ध लड़ी, और मैं आपको बताऊं कालिंजर में जो उस समय चूंकि बहुत संक्रमण काल चल रहा था भारत में, और इसलिए संक्रमण काल चल रहा था, हुमायूं को तो शेरखान ने भगा दिया था, शेरखान ने भगा दिया था चौसा के युद्ध में 1542 में, तो हुमायूं को भगा दिया था। और शेरखान जो है वो धीरे धीरे कालिंजर की ओर बढ़ रहा था और वो दक्कन तक जाने के मूड में था। तो मतलब ये जो रास्ता है महाकौशल का, हाँ, ये दक्कन के लिए सुलभ मार्ग, सबसे सुलभ मार्ग था दक्कन के लिए। लेकिन आपको मैं ये देखता हूँ, मैंने जो स्टडी किया उसके मुताबिक इस रूट से कोई भी ना तो मुगल जा पाए ना ब्रिटिशर्स जा पाए। उसका कारण ये था कि ये जो गोंडवाना का जो जियोलॉजिकल
और जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है यानी भूगर्भीय दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से इस प्रकार की सिचुएशन है कि यहाँ बड़े आसानी से आप इसको पार नहीं कर सकते हैं। एक तो डेंस फॉरेस्ट है, ऊपर से पहाड़ियां हैं, तो इतना आसान नहीं है। और उसके बाद फिर रानी दुर्गावती, तो ये तो बहुत बड़ी आगे जाके अपन जब उस पर चर्चा करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी बड़ी समस्या अकबर के लिए खड़ी होने वाली है। लेकिन उसके पहले अकबर के लिए क्या, जितने जी जी विदेशी शासक, बिल्कुल बिल्कुल के लिए। तो जब शेर खान से लड़ाई होगी तो शेर खान जो मारा गया, इतिहास में ये तथ्य अब आ रहा है कि जब शेर खान से कालिंजर में कीरत सिंह की लड़ाई हुई उनके पिताश्री की, तो कीरत सिंह का तो बलिदान हुआ ही, लेकिन रानी दुर्गावती की स्ट्रेटजी के कारण जो है 1545 में कालिंजर के हमले में शेर खान भी मारा गया। इसलिए शेर खान जो वहाँ पर मारा गया, शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं, जो मारा गया वो रानी दुर्गावती की स्ट्रेटजी से वहाँ पर मारा गया। तो 52 युद्ध जो हमारे गोंडवाना में प्रचलित है, जनश्रुति जो प्रचलित है कि 52 युद्ध लड़े और 52 युद्ध में से 51 युद्ध जीते। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारी शोध की बात करें तो 16 युद्ध जो हैं, वो जो बड़े युद्ध हैं, उसका मैंने जो है रिसर्च किया है। और उन 16 युद्धों में जो 6 युद्ध तो मुगल से उनके हुए, अच्छा, और उसके पहले जो उनके युद्ध हुए उसमें सबसे पहला जो सबसे खतरनाक हमला था उनका, वो था मांडू के बाज बहादुर पर। क्योंकि मांडू का बाज बहादुर जो है वो उसने ये समझा कि एक विधवा महिला है, क्योंकि दलपति शाह का निधन हो गया था 1548 में, लेकिन उसकी गलत फहमी निकली और जब वो लड़ने आया तो रानी दुर्गावती ने उसको मिलो खदेड़ दिया। जब वो सेकेंड अटेम्प्ट में आया तो आप सोचिए कि 300 किलोमीटर उसने खदेड़ा और मांडू की सीमा तक खदेड़ा ताकि दोबारा बाज बहादुर आने की हिम्मत ना कर सके और दोबारा कभी बाज बहादुर नहीं आया। द्वंद्व युद्ध में फतेह खां को भी मार दिया था, उसके चाचा को मार दिया था अकेले, जो सिंगल कम्बैट में रानी दुर्गावती के सामने कोई भी सिंगल युद्ध करने आता था सिंगल कम्बैट, वो हार ही जाता था क्योंकि दोनों हाथों से तलवार चलाती थी और दोनों हाथों से तीर चलाती थी। ये एक एक उदाहरण मिलता है महाभारत में अर्जुन का जिसको सब्यसाची कहते हैं। आप समझ लीजिए दूसरी सब्यसाची ये थी कि ये दोनों हाथ से तलवार चलाती थी और दोनों हाथ से तीर चलाती थी। कोई भी द्वंद्व युद्ध में दुर्गावती अपराजय ही रही, इसलिए अपराजय रही। सिंगल यदि आप उसके साथ लड़ रहे हैं तो आप नहीं जीत सकते उससे, क्योंकि उसकी युद्ध नीति ऐसी थी। उसके बाद उसने अन्य मुस्लिम शासकों को हराया और ये जब ये मुस्लिम शासकों को हराने के बाद जब चारों तरफ से सुदृढ़ कर लिया और सेना भी जो है अच्छे तरीके से उनकी एस्टेब्लिश हो गई थी, उस समय फिर अकबर को एक फिर ट्विस्ट होती है कहानी में कि शेर खान जब मर जाता है और हुमायूं फिर कमबैक करता है भारत में और अकबर जब यहाँ का जो है मुगल शासक बनता है, मैं बादशाह नहीं कहूँगा, मुगल शासक, बहुत ही लंपट और धूर्त था और उसको भी जरा सी शर्म नहीं थी कि वो चाहता था कि गोंडवाना पे जिसका महिमा मंडन काफी किया जा रहा है। जी हाँ, महान अकबर महान जी अकबर महान तो, और वो स्त्री लोलुप भी था, दुनिया जानती है कि उसकी हरम में 500 जो है औरतें रहती थी, उसकी 500 बेगमें थी उसकी, और इवन उसने अपने जो संरक्षक बैरम खान उसकी पत्नी से भी शादी कर लिया था। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, एक लंपट शासक विषांतर हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात पर जाना चाहता हूँ कि आसफ खान जो अब्दुल मजीद के नाम से जाना जाता था हराबी, वो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बना था। तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना था तो वो एक बार यहाँ पर आया था हमला करने के लिए, लेकिन इसको यहाँ से रानी दुर्गावती ने जो है हरा दिया था। उसके बाद वो जब उसको ये जानकारी लगी कि पूरे भारतवर्ष में गोंडवाना ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सोने के सिक्के और हाथी में टैक्स अदा करते हैं। अच्छा, चलिए राजस्व की बात जब हम करेंगे, हाँ, तो राजस्व पे ये बात आएगी। तो ये बात जो है ये दिमाग में आई, मैं ये सोच भी रहा था कि ये इतना रिच कैसे हुआ, क्योंकि हाथी तो यहाँ मिलते अब नहीं है। हाथी, हाँ वही हाथी मिलते नहीं है और लोग लगान में दिया करते थे। दूसरा, यहाँ का जो जियोलॉजिकल है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है, इसलिए यहाँ पर जितनी संपदा है आपको बता रहे हैं, दोनों संपदा है यानी खनिज रूप से, हाँ प्राकृतिक रूप से इतनी संपदा है कि ये वैसे भी जो है बड़ा धनाढ्य क्षेत्र कहलाता था। और अब लेकिन अकबर के पास जब आसफ खान गया तो अकबर को ये भी बताया कि ये जो गोंडवाना जो है वो मध्य में स्थित है और अकबर ने इसको विचार पूर्वक कहा कि दक्षिण का फाटक खोलना है यदि, या दक्षिण भारत में हमको जाना है,
द्वार खोलना है तो हमको गोंडवाना चाहिए, और गोंडवाना में जो है उसकी जो सामरिक स्थिति है उसे उड़ीसा भी लगा हुआ है, गुजरात भी लगा हुआ है और पूरा दक्कन। इसलिए यदि गोंडवाना हमारा केंद्र बन जाएगा तो हम दक्कन को भी जो है वो कंट्रोल में कर सकेंगे। ये स्ट्रेटजी जो रानी दुर्गावती उसमें सबसे बड़ी जो है रोड़ा मेन हर्डल आएगी, क्योंकि रानी दुर्गावती दक्षिण भारत नहीं जाने देगी और अव्वल तो गोंडवाना भी नहीं जीतने देगी। इसीलिए जब आप अभी आप बोल रहे थे कि जब युद्ध होने की बात आई तो दो जासूस भेजे अकबर ने, नरहरि पात्र और गोप महापात्र, दोनों को रानी दुर्गावती ने मिला लिया और रानी दुर्गावती ने उनसे स्ट्रेटजी समझ ली। ये मैं बात कर रहा हूँ 1562 जी, 1562 में जब जानकारी लग गई तो रानी दबे पांव सिंगोरगढ़ पहुंच गई। सिंगोरगढ़ के किले में जब ये लड़ाई हुई तो आसफ खान को ये लगा कि विधवा महिला है, अपन युद्ध में हरा देंगे तो 12,000 अश्वारोही लेकर आया था वो। लेकिन जब सिंगोरगढ़ में जब पहली लड़ाई हुई सिंगोरगढ़ की, जब रानी ने उसको खदेड़ा, रानी की स्ट्रेंथ क्या थी फौज की? रानी की स्ट्रेंथ उस समय 10,000 सैनिकों की थी, उनकी 12,000 थी, अपर था, और उसने खदेड़ दिया तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आसफ खान को ये समझ में आ रहा था कि मैं अकबर को क्या जवाब दूंगा। तो एक्चुअली में ये तो उस अकबर की हार है जिस अकबर के सामने जो है लोगों ने घुटने टेक दिए थे। तो ये इसको आप छोटी विजय में समझिएगा, ये अब्दुल मजीद या आसिफ खान की हार का मतलब है अकबर की हार है। बिल्कुल कहाँ से सोएगा था राजपूत सोने दे, बिल्कुल ऊपर से एक महिला ने आपको जो आपको रोक दिया, और वो भी जो है जन्नत नशी कैसे जन्नत कहते। तो दूसरा युद्ध जोर से किया, दूसरा युद्ध भी जब हरा दिया रानी दुर्गावती में, तो तीसरे युद्ध में तोपखाना। अब ये तोपखाने का थोड़ा सा उल्लेख कर लें, बहुत सारे युद्ध हम तोपखाने से हारे हैं जी, अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो प्राचीन पद्धतियां लड़ने की थी तो तोपखाना आने से थोड़ा सा हमारे कई सारे युद्ध में हमने देखा है कि ये अकबर के पास तोपखाना कैसे आया था। एक्चुअली में तोपखाने के बारे में तो उल्लेख तो ऐसा मिलता है कि दक्षिण भारत में विजयनगर के साम्राज्य में जो पहला तोपखाना का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये लोग चूंकि भगोड़े थे महाभारत काल में भी तोपखाने का भुशुंडी जो मिलता है राइफल है वो, और वो तो वो सारी जानकारियां थी, और दक्षिण में भी अपने यहाँ तोपखाने की जानकारी थी। लेकिन जो अपन लोग पारंपरिक पद्धति से लड़ते थे तो थोड़ी सी अपने यहाँ गलती हुई कि हमने आर्टिलरी का जो है ठीक तरीके से प्रयोग नहीं किया, और ये चूंकि भगोड़े थे, इनका जो दादा था बाबर भगोड़ा था, उसको लतियाया गया था मध्य एशिया में, और उज्बेकों ने लतियाया था, तो ये उज्बेकों से सीखकर वहां से आया था और यहां पर बाद में पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इसके पास जो तोपखाना था वो जब लेकर एडवांस हुआ वो, तो रानी दुर्गावती समझ गई, रानी दुर्गावती ने पूरी स्ट्रेटजी, तो अर्जुन सिंह बैस जो उनकी हस्तीशाला के प्रमुख थे, बलूच खान भी उनके साथ थे, मुबारक शम्स खान भी थे रानी के साथ। रानी दुर्गावती इतनी ये जो थे ये अफगानी थे और अफगानियों की तो मुगल की जो ये चक्ताई तुर्क थे और अफगानों के बीच में द्वंद्व था। बिल्कुल सही कहा आपने कि इनके बीच में बहुत अच्छा द्वंद्व था और बड़ा युद्ध इनके बीच में हुआ, क्योंकि अफगानों को ये लगता था कि ये चक्ताई तुर्कों ने हमको भारत से बेदखल किया है, और रानी दुर्गावती बहुत कूटनीतिक दिखी थी, इसलिए रानी दुर्गावती ने क्या किया, कुछ अफगानों को अपना भाई भी बना लिया था। तो इसलिए रानी दुर्गावती की सेना में हर वर्ण के लोग थे, ये सब, ये तो खूबसूरती थी उनकी सेना की, राजपूत भी थे उसमें, कायस्थ भी थे उनमें, आधार सिंह कायस्थ थे, ब्राह्मण भी थे उनके युद्ध में, बिल्कुल ब्राह्मणों की सेना थी। क्या इसका आधार बता सकते हैं कैसे? देखिए एक्चुअली में यहाँ तो जो ब्राह्मण है जैसे कि दक्षिण से नामबुद्री ब्राह्मण आए, ठीक है, आप लोग जैसे बाद में नर्मदा के किनारे आप लोग नर्मदे ब्राह्मण हो गए, फिर तेलुगु ब्राह्मण यहाँ पर आए बड़ी संख्या में, फिर विट्ठलनाथ स्वयं यहाँ पर आए, तो ब्राह्मणों का तो यहाँ पर काफी समय से साउथ से ब्राह्मण आए और ट्राइब भी आया होगा साउथ। हाँ ट्राइब भी आया भाई, आंध्रा से जानकारी मिलती है, महाराष्ट्र से जानकारी मिलती है कि वहाँ से जो इनका आदि पूर्वज है उसके आने का भी उल्लेख मिलता है, है ना, तो गोंड जनजातियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और स्पेशली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कैसे थे, क्योंकि उनका मंत्री तो ब्राह्मण ही होता था भाई। रानी दुर्गावती के से पहले अपन यदि यदुराय की बात करें तो यदुराय को स्थापना कराने वाला जो गोंड वंश की नींव रखी गई वो सुरभि पाठक जो एक ब्राह्मण थे, तो उनके मंत्री तो हमेशा आगे विभूति पाठक,
तो वो तो युद्ध थे ही और वो युद्ध में जो है सहभागिता करते थे, तो ये तो गलत नैरेटिव किया जाता कि ब्राह्मण लड़ते नहीं थे, ब्राह्मणों ने बिल्कुल युद्ध किया है। तो पुष्यमित्र सुंग भी तो लड़े सुंग से पहले, परशुराम को ले लीजिए आपके अच्छे वॉरियर थे। तो यहाँ तो पूरी की पूरी सेना की जमात थी, तो रानी दुर्गावती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रानी दुर्गावती की जो कैबिनेट थी वो रानी दुर्गावती के साथ इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट करती थी कि कभी कोई बहुत कोशिश की। देखिए आप फोन करें, मैं आपको अकबर के ले जाने की बात करूं, बीच में अपना विषयांतर हो गया, फिर मैं उस पर लौटता हूं। अकबर ने आधार सिंह को दो बार लालच दिया। अच्छा, लेकिन लेकिन दरबार का हाँ, लेकिन आधार सिंह बिल्कुल नहीं पिघले। आधार सिंह बोले नहीं, तो ये सबसे बड़ा जो कचोटने का कारण ये था कि साहब ये तो गजब है यार, इसका कोई भी जो सेनापति है या कोई भी टूटता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है गौण और ब्राह्मणों की भी जुगलबंदी हो गई, अच्छी खासी जुगलबंदी थी, क्योंकि यदुराय जी के साथ में सुरभि जी का होता। और गौण बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, गौण गौण जो युद्ध करे वो क्षत्रिय है। हाँ। इसलिए जो गौण थे सारे क्षत्रिय है, जो 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 युद्ध करते वो क्षत्रिय है, व्यवस्था के हिसाब से वो सब क्षत्रिय हैं। और फिर मैं अपन चलते हैं अपने विषय की ओर। सिंगोरगढ़ का जो तीसरा युद्ध हुआ, तो रानी दुर्गावती ने ये भाप लिया कि तोपखाना जो है यदि रहेगा तो हम लोग युद्ध हार जाएंगे। इसलिए रानी दुर्गावती ने ये विचार बनाया कि हम घने जंगलों पर जाएंगे और उन घने जंगलों के पास के मैदान में लड़ेंगे, और उसके बाद फिर हम घने जंगलों के अंदर खींचेंगे। और घने जंगलों में तोपखाना भी काम नहीं करेगा, तोपखाना काम नहीं करेगा। मुख्य स्ट्रेटजी यही थी कि तोपखाना काम नहीं करेगा। इसीलिए जब रानी दुर्गावती ने वहां से कूच किया खदेड़ने के बाद, सिंगोरगढ़ का तीसरा युद्ध रानी दुर्गावती ने जीता, और खदेड़ने के बाद जब रानी दुर्गावती एडवांस कर रही थी इन बरेला के घने जंगलों की ओर, तो फिर अर्जुन सिंह बैस ने इनको चंडाल भाटा के पास रोका। अच्छा, चंडाल भाटा अब अघोरी बब्बा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। चंडाल भाटा में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, यह चौथा युद्ध कहलाता है। इस चौथा युद्ध में भी आसफ खान को अर्जुन सिंह बैस ने खदेड़ दिया, और अर्जुन सिंह बैस ने अपना डेरा जमाया गौर नदी के पास। गौर नदी के पास इसलिए जमाया गिरीश जी, क्योंकि गौर नदी जो है यहाँ पर कच्चा ब्रिज हुआ करता था, और यदि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाएगा तो फिर ये होगा कि जो है आपका तोपखाना नहीं आ पाएगा, और तोपखाना नहीं आ पाएगा तो बड़े आसानी से रानी दुर्गावती जो है विजयश्री प्राप्त कर पाएंगी। और ये घटना 22 जून की है। 22 जून को रानी दुर्गावती ने जो है पार कर लिया, जून सन 1564 जब उन्हें पार कर लिया, और अर्जुन सिंह बैस को वहाँ रोक दिया कि अब आप इनको आप उसको रोकेंगे, आसफ खान को रोकेंगे, और रानी दुर्गावती जो है वो बरेला की तरफ जो है कूच करने लगी। पर वहाँ बरेला क्यों गई? बरेला इसलिए गई क्योंकि वहाँ पर उनको खाना और बाकी सारी जो सामग्री है वो प्राप्त करनी थी। तो बरेला के बाद फिर यहाँ आने की बात करेंगे। तो वहाँ से जो जिसे बोलते हैं रसद बोलते हैं, तो रसद चाहिए थी, उस रसद को लेने के लिए जो है वो बरेला में रुकी, जैसे युद्ध में होता था। तो 22 जून को जो है आसफ खान भी आ गया। अब आसफ खान की जब लड़ाई हुई, आपको बता रहे हैं, तो आसफ खान की लड़ाई में जो घमासान लड़ाई में अर्जुन सिंह बैस ने तोड़ तो दिया जो पुल था, लेकिन वो बहुत घायल हो गए और उनका बलिदान हो गया गौर नदी में। रानी दुर्गावती बरेला में थी, उसको जैसे ही खबर लगी कि फिर से ब्रिज बनना चालू हो गया, तो रानी दुर्गावती ने फिर एडवांस किया, कुछ किया वहाँ के लिए गौर नदी के लिए, और फिर वहाँ अर्धचंद्र व्यू बनाकर उसने जैसे ब्लिट्ज क्रीक टाइप की लड़ाई होती है वैसा करते हुए उसने नीलों खदेड़ा आसफ खान, और उसके बाद फिर जो ब्रिज बन रहा था उसको तोड़ दिया। अब रानी दुर्गावती का ये विचार था कि जो है यहाँ पर एडवांस किया जाए नर्रई का, ये पेपरिया खुर्द गांव अब आजकल गांव हो गया है, पहले 12 ग्राम के नाम से जाना जाता था, और ये नर्रई नाला यहाँ पर आप देख रहे हैं नर्रई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जमाया जाए, यहाँ से डेंस फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट लेके, और उनका ये भी मन था कि हम फिर गढ़ामंडल निकल जाएंगे यदि कोई बात होगी तो, ये भी था, और भी बहुत सारे मुकाम पड़ते हैं जहाँ पर वो रुक सकते थे। 23 जून को यहाँ बैटल हुई, आपको बता रहे हैं 23 जून की बैटल में रानी दुर्गावती ने 1564 के बता रहा हूं। जी जी। और उसको खदेड़ा फिर बरेला तक खदेड़ा, किसको? आसफ खान। और फिर ये विचार किया कि रात्रि काल में जो है हमला करना चाहिए, बस यही गड़बड़ हो गई। रात्रि काल में यदि रानी दुर्गावती का प्रस्ताव सारे सरदार मान लेते तो रात्रि काल में खत्म हो जाता आसफ खान, और कुछ नतीजा कुछ और ही होता, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हुई और 24 जून को मुकर्रर किया सपने की सुबह जो है युद्ध प्रारंभ करेंगे, ये गलती हो गई। और इस गलती का खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि बरेला तक तोपखाना पहुंच गया,
और इस तरह से गिरीश जी रानी दुर्गावती 24 जून 1564 को यहाँ पर नर्रई में आ गई और फिर नर्रई में जो मुगलों के साथ छठवां और अंतिम युद्ध यहाँ पर हुआ। तो ये आखिरी युद्ध था यहाँ का, ये आखिरी युद्ध था उनका जीवन का आखिरी संघर्ष जी। ये 6 घंटे चला और इस 6 घंटे के युद्ध में जैसा मैंने बताया कि 3 बार जो है आसफ खान को खदेड़ा था रानी दुर्गावती ने, और उसके बाद तोपखाना आ जाने के बाद परिस्थितियाँ विपरीत हुई। और ये भी बताया था कि यहाँ जो ये जो आप देख रहे हैं नर्रई नाला, ये नर्रई नाला जो है ये वास्तव में क्योंकि मदन सिंह ने तोड़ दिया था शेखर सरोवर, तो पानी भर गया था इसलिए हाथी जा नहीं पाया। जिस युद्ध के बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि नर्रई के मैदान में जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा होती है। आप देख सकते हैं ये पुराना बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भी हैं। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसमें जो शिवलिंग रखा हुआ है और वो जो वहाँ बड़ा देव और महादेव की जो है एक वहाँ पर स्थापना की गई है, ये कायाकल्प जरूर होते रहे लेकिन वास्तव में इनकी स्थापना रानी दुर्गावती ने कराई थी। यहाँ पर कुछ प्राचीन और भी चीज़ें थी, धरोहर थी, वो सुरक्षित रखी हुई हैं और आगे उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो बाकी बातें वहाँ चल के करेंगे, लेकिन आपसे ये थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे हम कि ये जो 6 युद्ध थे इसके पूर्व जो युद्ध हुए हैं वो जो उनके यहाँ आने के पहले हुए हैं, मतलब गढ़मंडला की रानी बनने के पहले हुए या कि उसके भी पहले हुए? उसके कालिंजर से, उसके पहले कालिंजर में, जैसा मैंने आपसे बताया कि 8 युद्ध उन्होंने कालिंजर में ही लड़े। अच्छा, मतलब हाँ, क्योंकि कीरत सिंह की कोई और कोई दूसरी संतान थी नहीं, कोई संतान थी नहीं। और एक जो है उनकी कजिन बहन थी कमलावती, मैंने चचेरी बहन कमलावती थी, वो भी बाद में साथ में यहाँ आ गई थी। तो वहाँ पर जो कालिंजर आप जाएंगे तो वहाँ आजकल पन्ना द्वार, वहाँ पर जो पहले नाम बलभद्र का दरवाजा कहलाता था, तो वो दरवाजे के पहले कुछ नाम हुआ करते थे और बाद में वो अब पन्ना द्वार के नाम से, सतना द्वार के नाम से हो गए हैं। तो वहाँ 8 युद्ध उन्होंने वहाँ लड़े थे, क्योंकि पूरा कालिंजर का जो प्रबंधन था वो कीरत सिंह ने इनको सौंप दिया था कालिंजर के किले का। और कालिंजर का किला भारत में सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है जी, क्योंकि कालिंजर पर यदि आपने फतह कर ली तो ये मानकर चलिए कि पूरे मध्य भारत जो है उसमें आप बड़े आसानी से मामला, मतलब हाँ, दक्षिण भारत दक्षिण और उसके बाद असीरगढ़ का रास्ता क्लियर हो जाता था जी जी। और बाद में आपको बता दें कि अकबर ने असीरगढ़ भी इसलिए जीता था, अंतिम विजय थी असीरगढ़ जी जी। आपको तो, बताया ना वो मेरी कुल देवी जो आसम पूना, अच्छा अच्छा जी 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 जी, कुल देवी तो, का जी, और ये जो भूमि है जी, ये हमारी भाग्य देवी का है। तो वही कि ये बहुत, मतलब बहुत सारी विरासतें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये उसी नर्रई के महान मैदान में कर रहे हैं जहाँ पर 24 जून 1564 को एक महान युद्ध लड़ा गया था। और अभी जो यहाँ पर सारी जो स्मारक हैं वो आपको स्मारक भी अभी अपन देखेंगे चल के, और कुछ चर्चाएं स्मारक के सामने भी अपन करेंगे जी जी। और भी विषय हैं जी श्रोताओं, और भी विषय से हम आपको परिचित कराएंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में बिल्कुल भिन्न था और भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप सहमत होंगे, इस पर चर्चा अभी कर लेते हैं, आप अगर चाहें तो अभी कर लें, लेकिन हम चाह रहे थे कि वीरांगना को पहले पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपन करेंगे। तो मित्रों हम मिलते हैं पुष्पांजलि स्थल पर, धन्यवाद। नर्रई की महान रणभूमि से अब हम लोग समाधि स्थल पर आ गए हैं। ये विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर उनकी ये मूर्ति है और उन इस मूर्ति को तब तक नमन करते हैं। और अभी जो एक गिरीश जी ने एक प्रश्न किया था कि नारी सशक्तिकरण के लिए रानी दुर्गावती का क्या योगदान था, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगना नारी सशक्तिकरण की आधुनिक जो पीढ़ी है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रोल मॉडल है। अब मैं बताता हूँ कि रोल मॉडल क्यों है, क्योंकि रानी दुर्गावती ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा जो है उन्होंने ली थी और वो
ये बताती हैं युवा पीढ़ी को कि आत्मरक्षा के लिए स्त्री अपने आप में पर्याप्त है। साथ में रानी दुर्गावती जो है, जब उनका विवाह यहाँ पर गोंडवाने में हुआ दलपति शाह से, तो एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है कि जब कीरत सिंह चंदेल पर हमला किया जा रहा था शेर खान द्वारा, तो उन्होंने संग्राम साहेब से जो है मदद लेने की बात की थी, और संग्राम साहेब ने प्रस्ताव रखा था कि रानी दुर्गावती का विवाह कर दीजिए दलपति शाह के साथ, और उस विवाह को स्वीकार किया। तो रानी दुर्गावती का राष्ट्र प्रेम इतना ऊपर था कि उन्होंने कालिंजर की रक्षा के लिए इस बात के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हम जो है विवाह करेंगे दलपति शाह से। आप आश्चर्य करेंगे कि 1541 में संग्राम साहब के मर जाने के बाद भी रानी दुर्गावती और उनके पिताजी ने वचन पूरा किया, और वचन पूरा करने के उपरांत जो है विवाह हुआ और वो सिंगोरगढ़ आ गई। यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो सिंगोरगढ़ आई तो उनके ससुर का देहावसान हो चुका था, और उसके बाद जो है कालिंजर का एक युद्ध हुआ, और उस कालिंजर के युद्ध में रानी दुर्गावती भी यहाँ से गई, और रानी दुर्गावती ने जो है वो कालिंजर के किले में अपने पिता के साथ युद्ध करते हुए जो शेर खान था, जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं, उसको अपनी रणनीति में फंसा कर जो है उसको उसका वध कर दिया, और उसके बाद उसमें उनके पिताजी का भी बलिदान हुआ। उसके बाद रानी दुर्गावती फिर गोंडवाने पे आ गई, और मालूम चला कि 1548 में उनके जो है पति का भी देहावसान हो गया। अब जरा विचार कीजिए कि नारी शक्ति, हम लोग क्यों नारी शक्ति को सती और शक्ति का स्रोत मानते हैं। एक स्त्री जिसका पिता, जिसका ससुर और जिसका पति का देहावसान हो जाए, वो स्थिति कैसी रही होगी। लेकिन रानी जो दुर्गावती थी वो जरा भी नहीं घबराई, और उन्होंने बड़े वीरता पूर्वक जो है अपने पुत्र वीर नारायण सिंह के साथ मिलकर जो है यहाँ पर उनके पक्ष में वीरांगना के रूप में इस गोंडवाना की सामग्री बनी। अब जब सामग्री बनी तो देखने को मिलता है कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए यहाँ बहुत काम किए। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा इसीलिए गया है। वो नारी के लिए हस्तकला उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना की, और पचमठा में यहाँ पर जब विट्ठलनाथ आए, और जब विट्ठलनाथ आए तो 3 साल तक यहाँ पर विट्ठलनाथ रहे पचमठा में, वहाँ पर लड़कियों का पहला गुरुकुल उन्होंने खोला, जहाँ पर लड़कियों को शस्त्र और शासकीय शिक्षा दी जाती थी, उद्यमिता की शिक्षा दी जाती थी। और न केवल इतना, बल्कि जो है यहाँ पर पढ़ाने वाले आधार सिंह, टीकर सिंह पानीकर और महेश ठाकुर जैसे बड़े विद्वान लोग यहाँ पर पढ़ाते थे। तेलुगु ब्राह्मण भी यहाँ बुलाए गए थे पढ़ाने के लिए विद्वान। तो एक तरह से यहाँ पर जो नारियों की सशक्तिकरण के लिए रानी दुर्गावती ने जो कार्य किए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और श्लाघनीय है। ये वो पावन और पवित्र और पूजनीय स्थल है जहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती का अंतिम संस्कार हुआ था। मूल रूप से यही उनका समाधि स्थल है। ये उनका हाथी सरवन, और ये रानी दुर्गावती की बहुत प्राचीन जो है वो आप पत्थर में प्रतिकृति देख रहे हैं। ये यहाँ पर हवन कुंड देख रहे हैं आप। यहाँ पर रोज लोग आके पूजा करते हैं, जनजाति समाज भी यहाँ आके पूजा करता है, और जो भी यहाँ आता है वहाँ इसकी पूजा करता है। इससे एक दृष्टांत बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेजों का शासन आया, और अंग्रेजों के शासन में जब कर्नल स्लीमन यहाँ पर धौलपुर आए, तो कर्नल स्लीमन को इनके बारे में जानकारी यहाँ पुस्तकों से प्राप्त हुई। तो वो जबलपुर से यहाँ पर आए, यहाँ पर एक सफ़ेद कंकर डालने की प्रथा थी, तो वो भी आए और उन्होंने यहाँ सफ़ेद कंकर डाला। वो भी यहाँ बहुत भावुक हो गए थे। कर्नल स्लीमन ने भी रानी दुर्गावती पर बहुत अच्छा लिखा, और उन्होंने उनको पूरे भारत की सबसे श्रेष्ठतम वीरांगना कहा है। मैंने भी अपने पुस्तक में विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगना के बारे में बताया है। तो
ये वो पवित्र स्थल पावन स्थल है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। आगे जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो उनकी मूर्ति लगी हुई है और ये वो पुरानी जो महान गाथा की याद दिलाता है नरेंद्र चतुर्वेदी का समाधि स्थल। यह वास्तव में एक पवित्र तीर्थ है। बिल्कुल, तो ये साथियों पर्यटन स्थल हो सकता है। ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी हैं, क्या नाम है आपका? सीता वरकड़े। और हमारी श्रीमती जी तो आई हैं, और महिला शक्ति को नमन करते हुए जिला प्रशासन ने एक आजीविका मिशन के तहत दीदी कैफे बनाया हुआ है, और इसमें स्वयं सेवा जो बहन जी इसमें स्व सहायता समूह इसको रन करता है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें इन लोग कार्य करती हैं, यहाँ पे कार्य भी करती हैं। हाँ। और जो यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए बढ़िया नाश्ता। हाँ, क्या उनमें से किसी को बुला सकते हैं आप? जी जी, तो मैं यहाँ आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। आजीविका मिशन में काम करती हूँ ये दीदी कैफे में। तो ये महिलाओं से प्रबंधित है दीदी कैफे? हाँ, महिलाओं से। तो आप लोग मैनेजमेंट करती हैं इसका? जी जी, हम खुद मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर्यटक आ जाते हैं पर्याप्त संख्या में? कभी तो बहुत आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं। कम आते हैं, मतलब पर्यटकों को आना चाहिए, जो जबलपुर आए वो जरूर यहाँ पर आए। आना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो आप क्या क्या खिलाते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पूरा वेज है, खाना मिलता है। वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? हम 3 साल हो गए। और ये इसको बने भी 3 साल हो गए? जी जी, ये प्रबंधन आपके पास है इसका? ठीक है, धन्यवाद देवकी जी। रानी दुर्गावती समाधि स्थल एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो सकता है। आइए हम मिलते हैं, हमारे साथ हमसे पहले यहाँ मौजूद हो गई हैं पर्यटक। क्या शुभनाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मालती लता पटेल है, मैं एमपी पुलिस गवर्नमेंट कांस्टेबल हूँ। मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट से, मतलब खासकर ये जबलपुर घूमने के लिए आई थी, तो मुझे यहाँ पता चला कि जैसे आसपास बरगी डैम और ये रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी। जिसे आज देखकर मुझे मतलब बहुत प्रसन्नता हो रही कि मैं उनके समाधि स्थल पर मतलब आज आप सबके साथ बातचीत भी कर रही हूँ। ये बहुत मतलब कई पर्यटकों को भी मेरा मतलब खास तौर पर निवेदन है कि मतलब ये दर्शनीय स्थल देखने लायक अच्छा है, और हमारे इतिहास में भी इसका बहुत सारी चर्चा है। जैसे कि दुर्गावती, रानी दुर्गावती के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा कि हमारे मतलब जबलपुर राज्य की बोर्ड शासिका थी, जिन्होंने बहुत वीरता के साथ युद्ध करते हुए अंग्रेजों का मुकाबला किया, और उन सभी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सेहोरा के पास, सेहोरा से 17 लमकना के दोनों हैं। तो इसके प्रसिद्धि आपने सुनी होगी? सुनी, वजह से हम लोग यहाँ दर्शन करने आए, दर्शन करने आते हैं। आप लोग भी जनजाति समुदाय से हैं? जी हाँ। चलिए, अच्छा लगा आपको यहाँ पर? जी। आपको कैसी लगती है? नहीं, बढ़िया लगी। आप रानी दुर्गावती के बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में ज्यादा वैसे हम नहीं जानते हैं, मतलब लेकिन ये मानते हैं कि गोंडवाना की माता है, राजमाता की राजमाता है। जब ही तो हमारे यहाँ दर्शन करने लिए आए। क्या बात है, अब बता। मतलब उतने लंबे से हम इतने दूर तक आए हैं। धन्यवाद। और नमस्कार, जय रानी दुर्गावती। और ऐसे पहुंचते रहेंगे, मतलब अबे हम पहली बार आए हैं। तो जरूर लाइए, और हम इसको वो कर रहे हैं, 500 साल हो गए उनके जन्मदिन, 500वां जन्मदिन आने वाला है। हाँ, है ना जी। आज से तो उस जयंती को अपन मनाएंगे। हाँ, तो बच्चों को जरूर भेजिए और उनको बताइए। हाँ, और उनके बारे में पढ़े बच्चे। हाँ, अब हमारे लोग मतलब जाते हैं यहाँ का कहती सिंगौरगढ़। हाँ, सिंगौरगढ़ जाते हैं क्या? सिंगौरगढ़, हाँ, सिंगौरगढ़ में मतलब मूर्ति अच्छी है, मतलब हाँ वहाँ का किला भी घूमे आए हैं। अरे वाह, तो वहाँ अच्छा लगता है मतलब। हाँ, और हम यहाँ सोने थे तो हमारे छोटे वाले भाई यहाँ ही रहते हैं। अंतिम युद्ध यही हुआ था नरई में? हाँ हाँ, ये पेपरिया खुर्द गांव है। हाँ, बारहा के नाम से जाना जाता है। हाँ, और ये नरई नाला है पीछे। हाँ, जिसको फोड़ दिया गया था तो पानी भर गया था। हाँ, तो राजमाता पीछे नहीं जा पाए। हाँ, पीछे नहीं जा पाए, यहाँ युद्ध हुआ था। हाँ, तो वो हम कहे नाला तो कोई खास नहीं है,
मतलब अपुर गया। हाँ अपुर गया समय, ये 500 साल हो गए। हाँ ये तो पुर गया अब तो। हाँ जी चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी मतलब जाते हैं वहाँ रानी दुर्गावती में, बड़ा देव का वहाँ मंदिर है, बड़ा देव। हाँ देखे बड़ा देव गए? अभी नहीं देखे, यहाँ से जाओगे तो बड़ा देव मिलेगा। हाँ बड़े देव का तो मानते हैं हम लोग। हाँ बड़ा देव। हाँ धन्यवाद श्रोताओं, दर्शकों आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक वीरांगना के जीवन व्रत को, एक विद्वान मेरे तो मैं इनको गुरु मानता हूँ, ये भले ही आयु में मेरे से छोटे हो, प्रोफेसर साहब, और प्रोफेसर साहब का जो ऑरा है ये मुझे बहुत पहले से आकर्षित करता रहा है, और इन्होंने रानी दुर्गावती जी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, और वो दौर हमारे लोगों ने लिखा नहीं है, उस दौर को जीवंत नहीं किया, नहीं तो आज विश्व के जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें रानी दुर्गावती को की तुलना विश्व के जो वीरांगनाओं से है उससे कहीं कमतर नहीं थी अगर उनकी तुलना की जाए, तो ये तो साबित होता है। और ये तो अभी तथ्यात्मक बातें हमने यहाँ जानी, और सुना है कि कोई फिल्म भी बनने वाली है और काफी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन जबलपुर और जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब और हमारे एमपी जेपीटीसी जो विभाग है, जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन डिपार्टमेंट जो है, उनके सीईओ और बाकी लोग मिलके और यहाँ की संस्थाएं सब मिलके जो काम कर रही हैं। तो राणा साहब आपका तो बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपके जरिए ये बात जनता तक पहुँचेगी, आम दर्शकों तक पहुँचेगी। तो यूट्यूब पे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, आप कुछ ना देखें, मेरे कोई वीडियो ना देखें, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आपको पता चलेगा कि 500 साल पहले भारत में विमेन एम्पावरमेंट का क्या स्थिति थी, और उस दौर में महिला सशक्तिकरण के आइकॉन्स अभी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो आप सबका धन्यवाद, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इसलिए